हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं हम टेक न्यूज चैनल। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक हिंदी में। गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के कुछ टिप्स के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पे पहली बार नए हैं या यूट्यूब के बारे में जानना चाहते हैं या यूट्यूब के आप क्रिएटर हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या बनाने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप जान पाएंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टिप्स है वो है YouTube से रिलेटेड कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, कुछ नए जो अपडेट आए हैं उनके बारे में। तो गाइज आजकल सभी के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे जो व्यूज़ है, मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, जो वॉच टाइम है वो माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है गाइज? इसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा है। अगर आप वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे इसके चक्कर में पड़ के कि मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा वॉच टाइम है वो लॉस हो रहा है, तो गाइज इसमें आपका लॉस ज़्यादा होने वाला है। कारण ये है कि आपका जो आज से लेकर पिछले 365 दिन का जो आपका वॉच टाइम है वही इसमें काउंट होगा। तो मतलब ये है कि अगर आप आज अपना जो चैनल है उसको रिव्यू में डालते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपके आज से लेकर पिछले जो 365 दिन है उनका वॉच टाइम इसमें जुड़ेगा। तो ऐसे में ही आपका जो अभी वॉच टाइम आपको दिखा रहा है आज से लेकर पिछले 365 दिन का दिखा रहा है, तो इसमें ऐसा होगा कि आज के टाइम में कोई व्यूज़ कम आते हैं, कुछ कारण होता है, इस वजह से जो पिछला आपका जो ज़्यादा व्यूज़ आए हुए एक दिन के वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ है वो लेस होता रहता है। 365 दिन पहले का या 365 दिन का अगले दिन चलेंगे तो वो वैसे रोटेशन बनता रहेगा इसमें। तो आपको रेगुलर मेहनत करना है। कैसे जैसे मैं आपको ये नहीं देखना है कि मेरा जो वॉच टाइम है वो माइनस हो रहा है, तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आप YouTube पे आ गए हैं तो आप सब के इसमें काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गाइज कुछ से नए जो इसमें अपडेट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। अपडेट ये चल रहा है कि आप किसी का भी कोई वीडियो देखेंगे जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, तो उनके नीचे जो स्टोरी का ऑप्शन है वो दिख रहा है, तो उनकी स्टोरीज आपको नीचे शो होती रहेगी। तो ये एक नया फीचर है और 10,000 मतलब 10,000 के ऊपर आपको मिल रहा है स्टोरी का ऑप्शन अभी। गाइज YouTube पे बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं, लगभग बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं, तो गाइज आपको संभल के रहना है। आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं अपलोड करना है जिसका 18 प्लस इसमें कोई कंटेंट हो, और ऐसे जो किसी का भी सॉन्ग यूज़ करना, किसी के ज़्यादा फोटो यूज़ करना, तो किसी का मतलब कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करना, कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए, खुद बनाइए तभी YouTube पे आप टिक पाएंगे। अगर आप किसी का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तो ऐसे में आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। डिलीट होने से पहले आपको कुछ वार्निंग दी जाएगी, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो एक जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है उसका जो 90 दिन का टाइम होता है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। तो ऐसे में आपको संभल के रहना है, आपका जो चैनल है उसका वीडियो मैनेजर में चेक करते रहना है कि आपको कॉपीराइट मिला तो नहीं है। अभी वहाँ पे कॉपीराइट ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन चैनल ऑप्शन है उसमें आपको दिख जाएगा। अगर आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और youtube.com में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये। गाइज अभी YouTube पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, जैसे कि थंबनेल कुछ और लगा दिया और वीडियो कुछ और आ रहा है, तो ऐसे को YouTube ने हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लगाया है कि स्पैम कंटेंट को आप पहचान सकें। अभी जो भी जितने वीडियो आने वाले हैं तो उनके ऊपर एक आपको हल्का सा ऐसे दिखाया जाएगा। कभी वेबसाइट में होता है ना कि वीडियो के ऊपर जब आप जाते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिक चलता है, ऐसे ऑडियो नहीं आता है, बट 5-4 सेकंड का उसका जो कंटेंट की क्वालिटी है वो दिखा दिया जाएगा कि इसमें क्या है, उस आइकन के हिसाब से आपको मिलेगा, आप पहचान कर पाएंगे। गाइज अगर आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आपको एक कॉपीराइट स्टाक मिल गया तो आप 3 महीने तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो आपकी कॉपीराइट स्टाक नहीं ले ली जाती है वापस। और कॉपीराइट के बारे में आज बात कर लेते हैं, भाई कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट आप समझ लीजिए कि एक तो कॉपीराइट होता है और एक कम्युनिटी गाइडलाइन होता है, दोनों तरह की स्ट्राइक मिलती है। कॉपीराइट वही होता है अगर आप किसी का वीडियो, ऑडियो या कुछ कंटेंट यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट ओनर दे सकता है, जैसे कि मेरा वीडियो आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है। और गाइज कम्युनिटी गाइडलाइन वह होती है जो यूट्यूब खुद देता है आपको, ना कि कोई यूट्यूबर देता है। गाइज यूट्यूब आपको इसलिए देता है कि आप उसके अनुरूप नहीं चल रहे, उसके नियमों के अनुरूप नहीं चल रहे या कुछ आप इसमें स्पैम कर रहे हैं, तो गाइज ऐसे में यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन देता है। ऐसे में अगर आप YouTube के बारे में कुछ गलत लिखते हैं, कुछ गलत वीडियो बनाते हैं, तो भी YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन दे सकता है। तो ऐसे में आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ आपको YouTube पे वीडियो का भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी का कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते आप। ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप संभल के रहिए YouTube पे।
गाइज अगर आपके वीडियोज़ को आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो ऐसे में आपका जो चैनल है उस पर मोनेटाइजेशन होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसका कारण ये रहता है कि आपका जो एक्सटर्नल व्यूज़ है वो यूट्यूब के सर्च व्यूज़ या अदर व्यूज़ के अलावा बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाती है। आपका एक इसमें परसेंट का क्राइटेरिया रहता है, 50% 50% रहता है दोनों का, तब तो ठीक है। इससे ज़्यादा चला जाता है तो आपका जो चैनल है उसमें दिक्कत आ सकती है मोनेटाइजेशन में। तो आपको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है, ऐसे में आपको शेयर लिमिटेड करना है, ज़्यादा शेयर नहीं करना है आपको। गाइज आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगली बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहेगा, सभी दोस्तों के साथ ऐसे प्यार बनाए रखेगा, मेरा वीडियो भी शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे वीडियो को। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा, मैं चलता हूँ भाई।